पूर्व सीएम हरीश रावत के धरने को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। धामी सरकार के मंत्रियों ने सवाल उठाते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत पर निशाना साधा है। मंत्री सुबोध उनियाल और रिखार ने निशाना साधते हुए कहा कि धरना देना हरीश की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। रिखार ने कहा कि हरीश रावत बयान देते हैं, धरने पर बैठते हैं, जीतते कभी नहीं। वहीं चंदन रामदास ने कहा कि हरीश रावत को पुलिस और कोर्ट पर भी हरीश रावत का भरोसा नहीं रहा है। बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड वाले मामले में सरकार न्यायालय प्रक्रिया से पुलिस प्रक्रिया से भिड़ी है और सब चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जल्दी जल्दी न्यायालय से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मगर इसी बीच में न्यायालय प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने के लिए अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री छोटी छोटी बातों को लेके सड़क पर चौराहों पर बैठ जा रहे हैं, जो न्यायालय की प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि रावत जी को अपने देश की प्रदेश की कानून व्यवस्था न्यायालय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक कड़ा निर्देश है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को या दोषियों को किसी भी रूप में छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अब उनके काम तो कुछ है नहीं, हरीश रावत जी पे अच्छा समय काटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। मुख्यमंत्री के बारे में यदि बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब से राज्य में चुनाव होने की बात आई, 2022 का चुनाव हो, चाहे उनके स्वयं के लड़ने का चुनाव हो, चाहे उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव हो, चाहे सत्ताधारी सरकार को जो है कितनी नौकरियां आपने दे दी हैं उसकी चेतावनी हो, या उनका गंगा में स्नान करना हो, उससे उनको जो कुछ भी उनकी आत्मा की आवाज़ बोलती हो, आपने उनको कहाँ टिकाऊ पाया है। आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि वो बहुत कुछ कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रतिदिन जो है जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आ रही है, चाहे संख्या बल से चाहे वैचारिक रूप से, मैं समझती हूँ कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए।